Every pregnancy needs utmost care and attention. But certain pregnancies need a little extra attention. An Rh negative mother carrying an Rh positive baby is at increased risk of complications. BSV is at the forefront to ensure safe delivery in every Rh negative pregnancy. वर्ल्ड कप की बात हो रही है, न्यूजीलैंड की बात हो रही है, तो आपका न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वर्ल्ड कप वाला परफॉर्मेंस के बारे में बात किए बिना हम आगे जा ही नहीं सकते। तो वो जो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था इंडिया के लिए 2017 में, जहां पे आपने 5 विकेट लिए थे, तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था? बहुत ही यादगार मोमेंट है मेरे लिए। 2017 वर्ल्ड कप का, जो मैंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो 5 विकेट लिए थे, हमेशा जब भी याद करते बहुत खुशी मिलती है कि इतने मैचेस न खेलने के बावजूद भी फर्स्ट मैच मैंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला था और मैंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी किया था उस मैच में। तो बहुत ही क्या बोलते बहुत ही मुझे खुशी मिलती है उस परफॉर्मेंस से, और होप करती हूँ कि वही ऐसे ही परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में भी और हो मेरे से। आप उस टाइम से 2017 से लेके आज तक आप एक इंडिया की टॉप रैंक स्पिनर बन गई, एक मोर इम्पोर्टेंट स्पिनर बन गई, और इस वर्ल्ड कप में जाते टाइम तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपके ऊपर, जो 2017 से आगे आके बहुत आ गई है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत है कि एज ए स्पिनर हम लोगों को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं कह रही हूँ कि कोई सारे क्रिकेटर मेहनत बहुत करते हैं, पर स्पिनर्स का रोल बहुत बड़ा होता है टीम में, और हम एज ग्रुप, जो स्पिनर का हमारा ग्रुप है, एज ए स्पिनर्स हम लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारी मेहनत इस वर्ल्ड कप में रंग लाए। आपने अभी बोला कि स्पिनर्स तो बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये वर्ल्ड कप में जाते हुए आपको आप वो कैसे देखते हैं कि कंडीशन आपकी अगेंस्ट है थोड़ी सी, और आपको मेहनत वहां पे ज्यादा डालनी पड़ेगी स्पिनर्स के लिए? कंडीशन तो बहुत ही अलग होती है जब हम इंडिया से बाहर जब मैचेस खेलते हैं, क्योंकि विकेट्स बहुत ही अलग होते हैं और स्पिनर्स को एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है उस विकेट में बॉलिंग करने के लिए। लेकिन मेरे मुझे बाहर वाले विकेट में बॉलिंग करने में बहुत मजा आता है, स्पेशली जब ग्रीन विकेट होता है, तो बहुत ही मैं बहुत मजे करती हूँ बॉलिंग करने में, और हेल्प भी होता है टीम के लिए। और विकेट्स की बात करें तो आपने जो इंजरी के पहले साउथ अफ्रीका वाला सीरीज था, होम साउथ अफ्रीका सीरीज था, इंडिया एक साल के ब्रेक के बाद खेल रही थी, और वो सीरीज में आप जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर थी जुलन गोस्वामी के साथ, तो वो सीरीज मतलब आप एक साल से खेले नहीं हो, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लॉकडाउन में बहुत सारा टाइम जा चुका है, और उसके बाद आने के बाद इतना अच्छा परफॉर्म करना टीम के लिए, तो मतलब वो तो बहुत ही आला परफॉर्मेंस था आपकी साइड से, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ बॉलिंग करने का? हाँ, हमेशा हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं जब जुलूदी बॉलिंग के लिए आते हैं, क्योंकि एज ए सीनियर प्लेयर वो बहुत ही हेल्प करते हैं ग्राउंड पे, और जब भी जुलूदी हमारे साथ ग्राउंड पे होते हैं तो हम लोगों को बहुत हौसला मिलता है जब बॉलिंग करने के लिए, और जब वो स्टार्ट अच्छा देते हैं तो और भी हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा बढ़ता है, ज़्यादा बढ़ता है, और जब जुलूदी होते हैं तो एक्चुअली हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है कि बॉलिंग अभी जुलूदी है तो चलो अभी पावर प्ले में तो विकेट मिलना ही है, ऐसा कॉन्फिडेंस हम लोगों को रहता है कि पर उनके साथ जॉइंट विकेट हाईएस्ट विकेट टेकर थी मैं साउथ अफ्रीका सीरीज में, पर बहुत ही अच्छी फीलिंग थी कि दी के साथ सेम विकेट्स मेरे भी थे, और उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ और जब मैं वो सीरीज के बाद ही मैं डोमेस्टिक खेलने गई तो वहाँ पे मेरी इंजरी हुई, और इंजरी में भी बहुत ही दिक्कतें आई मुझे कि लॉकडाउन भी हो गया और मेरा कुछ रिहैब भी नहीं हो पा रहा था, तो बहुत ही टाइम निकल गया, और उसमें जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज गई जब पहला मैच खेली तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ गया कि
थोड़ा बहुत रहता है इंजरी के बाद जब मैच खेलते हैं तो क्या होगा क्या नहीं होगा थोड़ा बहुत सोचते हम लोग, पर अच्छी अच्छी रही सीरीज मेरे लिए। और जैसे हमने झूलन गोस्वामी की बात की, आपने इतना सारा डोमेस्टिक और अदरवाइज भी मिताली राज के साथ भी इतना सारा अपना क्रिकेट खेला है, कैप्टन रही है वो आपकी, तो उनकी कैप्टनशिप पे कितना हौसला मिलता है कि कुछ भी हो जाए मेरा कैप्टन का सपोर्ट मेरे पीछे है? एज अ कैप्टन मिताली जी बहुत ही सपोर्टिव है सबके लिए, और जब जैसे सीनियर प्लेयर्स जुलू दी और मिताली दी है टीम में, और टीम के लिए बहुत ही क्या बोलते हैं कि उनका सपोर्ट सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, कि जब कोई भी डाउन होता है टीम में तो आके वो लोग बात करते हैं, हौसला दिलाते हैं सबको कि कोई नहीं, अभी अच्छा नहीं हुआ तो नेक्स्ट मैच जरूर तो अच्छा करेगी। ये एक प्लेयर के लिए ये बहुत मैटर करते हैं सारी बातें। और मिताली दी और जुलू दी के अंडर खेलना खेलने के लिए मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ, और उनके अंडर खेलने के लिए बहुत मजा भी आता है। और मिताली दी बहुत कूल कैप्टन भी है और ग्राउंड पे बहुत हेल्प भी करते हैं। और जैसे कि आपके अभी तक करियर में आपके डेब्यू से 47 ODIs हो गए हैं, आपका 50th ODI न्यूजीलैंड में होगा, शायद सीरीज में होगा, शायद वर्ल्ड कप में होगा, तो ये एक जो माइलस्टोन है करियर माइलस्टोन है कि मैं 50 ODIs इंडिया के लिए खेलना, बहुत बड़ी बात है एक प्लेयर के लिए, तो वो कितना प्राइड है आपको कि ये में एक अचीवमेंट है खुद का? हाँ, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट रहेगा कि इंडिया के लिए 50 मैच खेलना छोटी बात नहीं होती है। और जब मेरे 50 विकेट भी हो गए थे तो तब मैं वर्ल्ड कप में ही थी, 17 वर्ल्ड कप में, तभी मेरे 50 विकेट्स भी हो गए थे, और अभी वर्ल्ड कप खेलने जाऊंगी तो 50 मैचेस भी हो जाएंगे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जो हार्ट ब्रेक था 2017 वर्ल्ड कप का, वो तो आगे उससे आगे जाके ये वर्ल्ड कप जीतना, ये इम्पोर्टेंट वर्ल्ड कप जीतना आपके लिए कितने मायने रखेगा, कि बहुत बड़ा टूर्नामेंट है जो कप फाइनली इंडिया के लिए जीतना कितना इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए? वर्ल्ड कप जीतना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है टीम के लिए और हर एक प्लेयर के लिए, स्पेशली हम लोगों को अच्छा परफॉर्म करना है और जीत दिलानी है जुलू दी और मिताली दी के लिए, हम लोगों को अपनी जान लगा देनी है मैचेस खेलने में, और हम लोग जरूर उनके लिए मैचेस जीतेंगे और उनको कोशिश करेंगे कि हम लोग उनको वर्ल्ड कप जीत के दे। ये जो पूरा वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप का जो सफर है 2017 वर्ल्ड कप से लेके 2022 वर्ल्ड कप का, तो ये आप जब देखती है कि ये सारा इसमें जो पूरे बदलाव हुए है आपकी टीम में से, आपके टीममेट्स में से, तो कहाँ पे ऐसा लगता है कि ये जो टीम है ये बिल्कुल रेडी है वर्ल्ड कप के लिए और इसमें वो कैपेसिटी है कि वो वर्ल्ड कप जीत के लाए कंट्री के? सारे यंगस्टर्स है और अच्छे भी है, जितने उन्होंने बाकी सीरीज खेले सबने परफॉर्म अच्छा करा है और परफॉर्म अच्छा किया है, इसकी वजह से वो लोग अभी टीम में है, और हम लोगों को भरोसा भी है कि वो लोग टीम के लिए कुछ करेंगे और वर्ल्ड कप में भी उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहेगा।